बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। ये बैन और लुप्स के साथ और फिर बटन लुप्स के साथ गला बना हुआ है। ये गुम लगाए हैं लुप्स भी। ये कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये गले के लिए बी काटेंगे। फ्यूजिंग पेपर की हो गई, इसके साथ फ्यूजिंग भी करेंगे और फ्यूजिंग कमीज पे करते हैं। बैन के लिए फ्रंट की कटिंग, आम जो काटते हैं वो 2.5 और 2.5 इधर से, लेकिन ये थोड़ा सा बैन इसका बड़ा है, हेल्दी साइज है, इसका हमने काटा है 3 और 3.25, ये 3.25 काटा है। और इसको दरमियान में भी इस्त्री लगा के इसको फ्यूजिंग कर देंगे। सेम कलर की पाइपिंग भी साथ होगी। ये क्रॉस में 9 इंच, एक एक इंच का फासला होना चाहिए, टोटल 2 इंच। दरमियान में ये इस्त्री का निशान है और इसको इस्त्री करेंगे। ये इस्त्री हो गया है तो इसको दरमियान में साथ साथ ये काट देंगे। यो ये बैन कटे कटाए बाजार से मिल जाते हैं और ये 16 इंच का बैन इसको लग रहा है, इसको फ्यूजिंग करेंगे। इसको डबल कपड़ा बैक साइड पे भी होना चाहिए उसी तरह, और ये गुलाई के पास इस्त्री करते। ये हो गई बैन। और ये लुप्स के लिए अरेब काटी है ये पट्टियां तकरीबन 1-1 इंच की, 1-1 इंच की पट्टी काटी है लुप्स के लिए। लुप्स कैसे उल्टाए जाते हैं वो भी बताएंगे और सिलाई पे चलते हैं। लुप्स उल्टाने के लिए ये 1 इंच की पट्टी है, इसको सिलाई करेंगे। हाफ बूट की सिलाई लगानी है। तकरीबन 1.5 सूत्र की
लूप्स उल्टाने के लिए मशीन की सुई में डबल धागा डालेंगे और चार हिस्से का धागा डाल के गिरा लगा देंगे। इधर सिलाई लगी हुई है और थोड़ा सा अरेब। जहां पे सिलाई है वहां पे गुजारनी है और ये धागे जो उनसे हैं दो धागे एक तरफ करके बीच में से सुई निकाल देनी है, गिरा नहीं लगानी ये, और सुई का उल्टा हिस्सा इसके अंदर सिलाई में से निकाल देनी पूरी में से। इसका दबा नहीं काटना, दबा जितना है अंदर ही रहेगा उतनी ही गोल होगी। ये डोरी बनाने का तरीका, डोरी उल्टाने का तरीका। ये लूप्स जो उल्टाए थे वो काट लिए दो दो इंच के और इनको लगाएंगे ये जो फ्यूजिंग की थी गले की, इसको दाईं तरफ ये एक एक इंच का खरिए से निशान लगाया नीचे तक, जहाँ पे बैन लगना है वहीं से ही ऊपर से, और इसको लूप्स को लगाना शुरू करेंगे। ये लूप्स भी हाफ बूट से तो बस एक सूत्र का सिलाई आनी चाहिए लूप्स लगाने के। इसी तरह ही एंड तक 15 या 16 लूप्स लगेंगे, लगा के दिखाते हैं। ये लूप्स लग गए हैं। ये एक्स्ट्रा लूप्स काट देंगे। अब लूप्स को उठाने के लिए जैसे जिप को सिलाई लगाते हैं उसी तरह ही लगाएंगे। ये मुकम्मल सिलाई लगा के काट के फिर दिखाते हैं।
अब इसको उल्टाएंगे, और ये लूप्स बाहर आ जाएंगे। इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे पहले ही। यहां से 9 इंच निशान लगाएंगे और यहीं से कपड़ा लगाएंगे। ये कपड़ा नीचे लगाने के लूप्स की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से शुरू करते हैं। अब आ जाएंगे ऊपर लूप्स। सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए जो पहले लगाई थी। जो ये नीचे है इनके ऊपर बटन लगेंगे और ये वाले लूप्स खाली रहेंगे। ये वाले इनके ऊपर बटन नहीं लगेंगे, ये इसी तरह ही यही डिजाइन बनेगा। अब बैंड को सिलाई लगाते हैं। बैंड को जो एक तरफ गुलाई वाला हिस्सा था उसको इस्त्री मार के मोड़ देना है, और बैंड को उल्टाने के लिए पहले सिलाई लगेगी।
बैन को दरमियान में टुक भी लगा लेंगे पैर पैर का काट के, और इसका हाला भी चेक करेंगे। पूरा और इसको उल्टी साइड से लगाएंगे। इसको पहले कच्चा करेंगे, बैन के ऊपर नहीं लगनी, कपड़े के ऊपर सिलाई लगनी है। बैन का और कमीज का टुक आपस में मिलाएंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बैन को पक्का करेंगे, अब दबा अंदर करके ऊपर किनारे की सिलाई के साथ। ये गला बन गया है, इस पे लगाएंगे बटन। ये सामने वाले हिस्से पे, यहाँ पे ऊपर नहीं लगेंगे, ये ऊपर वाले लुब्स खाली रहेंगे, और ये नीचे 10-11 जो उनसे बटन है वो लगेंगे, ये वाले। और ये लगा के फिर दिखाते हैं। ये हो गई कमीज की स्टिचिंग मुकम्मल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हर नया देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और सब आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।